वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। तो कपिल शर्मा शो हमें मिल गया यार, वो टाइम हो गया था, अभी थोड़ा भूल गए थे इस शो को, अभी फिर से हमें देखने का दिल किया तो एक एपिसोड मिला है आपके साथ, देखते हैं तो प्ले करें। यार प्ले करो भाई। दोनों भाई ऐसे है ना, वो सोसाइटी का नाम यही बदनाम कर रहे हैं। कप्पू जो कोई काम नहीं करता, और चप्पू है जो पागलखाने से छूटा सिवाय लूटने के कोई काम नहीं करता। ऊपर से ठोको सिक्योरिटी खोल रही है, यहाँ पर बंदा तो दूर में पानी भी नहीं मिला सकता, शरीफ आदमी तो यहाँ पर काम कर ही ना सकता, मैंने देख लिया। हेलो चंदू। हाँ जी। मैंने तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस खोला है, तू इधर लोटा लेके मत बैठ जाना। ये लोटा नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है, चाय की केतली है ये। शट अप। और ये जो मेरा ऑफिस है, ये मेरा बेड जैम है, मैं तेरे को भी खाने को दे सकता हूँ अगर तुम्हारा साथ दे तो। मैं चेंज नहीं कह रहा हूँ, फटाफट जाके सिक्योरिटी वाले की वर्दी पहन के आ जा, मैं तेरे को एक दिन का 10,000 रुपए दूंगा। आप क्या सोचते हैं कि 10,000 रुपए देकर आप मुझे खरीद लेंगे? हाँ आप फिर बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं अभी आया वर्दी पहन। कैसे कैसे लोग हैं मेरी बातों में आ जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने कल पेपर में इश्तेहार दिया कि आपके यहाँ वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप क्लास सिक्योरिटी एजेंसी खुल गई। आज एक हीरे का व्यापारी ना मेरे से सिक्योरिटी लेने आ रहा है। अरे भाई ये ठोको सिक्योरिटी एजेंसी है ये? नहीं नहीं, आपको पहले ठोकेगी ना फिर आपको पता चलेगा। हेलो डार्लिंग। हेलो क्या कर रहे हैं? चेक करने का तरीका हम चेक करते हैं गले लगा के कोई कोई हथियार तो छुपा के नहीं लाया। अरे ये तो बड़ा न्यूज़ चैनल, एक बार फिर से करो। ये अरे आप मुझे गले लगा के चेक क्यों नहीं कर रहे? लग तो जाऊ आपका गला है कहाँ? वैसे ये बात भी सही है, क्या है कि भाई हम हीरे के इतने बड़े व्यापारी, हम गला रखते ही नहीं है, चाहे कब कौन कहाँ हमारा गला दबा दे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको पता है मेरे तो शादी के लिए वरमाला भी इनके गले पे नहीं गले पे डाली थी। वो तो आपको देख के लग रहा है, आप इनका गला देख के इनकी शादी की है, आपके गले में तो काफी पैसे होंगे फिर। पैसे नहीं, हीरे, डायमंड्स, हीरे, हीरे। उन्हीं डायमंड्स की सिक्योरिटी के लिए हम आपके पास आए हैं। यहाँ पे मैडम वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है, यहाँ हाथी भी सूंड नहीं मार सकता। अरे हाथी नहीं होता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा इन पे सूट करते हैं, पहले देखो आप। देखिए भाई साहब, पर क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता ये मेरी बीवी डिसाइड करेगी। बीवी क्या डिसाइड करेगी, अपने पति तो डिसाइड नहीं कर पाई वो। शंका बीवी डिसाइड करेगी। जस्ट शट अप प्लीज, अब हमें काम से काम रखिए, हमें जल्द से बताइए सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमें हनीमून की टिकट्स भी बुक करवा रहे हैं। हनीमून पे सिक्योरिटी की क्या जरूरत? क्या है कि इनका एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं इन्हें हनीमून पर लेकर गया तो वहां आकर ठाओ मुझे गोली मार देगा। ओह माय गॉड। तो अभी काम करो, आप हनीमून पे बैंकॉक निकलो, मैं इनको लेके मलेशिया निकलता हूँ, दुश्मन को कानो कान खबर नहीं आएगी, आपका हनीमून भी हो जाएगा। क्या बोलते हो? पर अगर यही मेरे साथ नहीं होगी तो मेरा हनीमून कैसे होगा? भाई देखो, पढ़ाई लिखाई चाहे अलग अलग स्कूल से करो, लेकिन पढ़े लिखे दोनों गिने जाओगे। एक्सक्यूज मी, आप अपनी सिक्योरिटी से मतलब रखिए, आप हमें सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं, या फिर हम कहीं और जाएं? एक मिनट, मैं भी इनका सिक्योरिटी चेक करता हूँ। देखिए आपके पेट में गैस तो नहीं है? क्या बेकार की बात करें, क्यों गैस? अरे इसमें जो बैटरी डलती है ना वो पेट्रोल वाली है, आग पकड़ लेगी। अरे मैं क्या सीएनजी पर चलता हूँ? की बात कर रहे हैं आप? आइए मैडम, आपको भी चेक कर लेता हूँ, आइए इधर आइए लेडीज। अच्छा हनीमून पे जेंट्स के साथ जा रही हो और लेडीज सिक्योरिटी तुम्हें चाहिए? चलो चुपचाप आइए, चलिए। देखिए कोई पराया मर्द मेरी, क्या क्या है, कोई पराया मर्द मेरी बीवी को इस तरह देखे बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आपको सीसीटीवी कैमरा दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिए कोई पराया मर्द तो नहीं आ रहा। चलिए आइए, चलिए 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 चलिए। ओह माय गॉड।
आप फालतू की बातें मत बनाइए, सिक्योरिटी दिखाइए अपनी। ओह माय गॉड, चलिए इधर आइए, इस मशीन के अंदर चलिए, चलिए इससे बम का पता चल जाएगा। अरे लेकिन मेरे अंदर बम कहाँ है? आदमी जब बहुत ज्यादा खा के पागल होता है ना, पेट फट भी सकता है। चलिए अंदर, चलिए चलिए, जाओ चलो जाओ, चलिए गुजर गुजर गुजर, सर दे दो अंदर, शाबाश। देखिए जब तक आपके सांड का स्कैन हो रहा है, अब मेरे लिए भी गाना गा सकती हैं? अरे जरूर, उस गाने का बहुत शौक है। ओके, मैं लाइट चेंज कराता हूँ, लाइट चेंज, चलिए। रुक जाओ, मैं यहाँ इस मशीन में फंसा जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर डांस कर रही हो। निकल निकल, आपको शर्म आनी चाहिए, इनका टैलेंट बाहर आ रहा है और आपसे मशीन से बाहर नहीं आ जा रहा। देखिए आप इस बात को समझिए, आपकी इस मशीन में सामान की जांच होती है और मैं एक इंसान हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मतलब मुझे बॉडी गार्ड चाहिए। बॉडीगार्ड चाहिए? हाँ। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। थम, सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट, कमांडर इन चीफ, लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर, चंदन। माय गॉड, इतनी बड़ी पोस्ट वाले इंसान को आपने गार्ड रखा है? नहीं नहीं, हमने तो इनको सिर्फ वर्दी दी है, पोस्ट इन्होंने खुद रखी है। मुझे लगता है कि बरसों की बेरोजगारी से भरा पड़ा है आदमी, इसलिए मौका मिलता ही एक साथ सारी पोस्ट बता दी। अच्छा, मेरी चार पोस्टें आपको भारी लग रही हैं, आपने तो 8 पेट रखे, मैंने कुछ कहा? Excuse me, तुम कौन होते मेरे पति के बारे में ऐसे बोलने के लिए? हा? कौन होते हो तुम? ये बताओ, एज सिक्योरिटी गार्ड तुम क्या क्या कर सकते हो? मैं कुत्ते से तेज भाग सकता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, कुत्ते से तेज भाग सकते हो, कैसे? जब वो पीछे पड़ेगा तो तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो वो काट नहीं लेगा। अच्छा, इसका मतलब तुम कुत्ते से डरते हो? रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं कुत्ता बनकर काट के भी दिखा सकता हूँ। What? That's so interesting, Shona. इसे हनुमान पे साथ लेके जाएंगे, प्लीज। आप हुक्म करो तो थोड़ा काट के बताओ। नहीं नहीं, कोई हरकत ये इंसान वाले भी करते हैं कि नहीं? सामान उठा लेता है, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप इसको सामान उठाएंगे ना, इसके कमर में ऐसे पट्टी बांध देना और अपने कमर में बांध देना, नहीं तो भाग जाता है। सामान चोरी करके भाग जाता है तो आपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर चोर रखा हुआ है? चोर नहीं रखा यार, ये स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुआ है। देखिए जो भी है, मेरी बीवी खूबसूरत है, ये चोर चपाटे टाइप के लोग मैं नहीं रख सकता, आप इसे हटाइए यहाँ से। जाओ यार, जाके चाय बनाओ, तुमसे तो ये काम भी नहीं होता, चलो दफा जाओ, चलो भागो यहाँ से। सोना, मुझे लगता है हमारे ना ग्रह खराब है, हमें कोई अच्छी सिक्योरिटी मिल ही नहीं रही है, चलो कोई और ट्राई करते हैं। मुझे लगता है आपकी बीवी ठीक कह रही है, आपको और आपके दो जोड़ी पति को नजर लग चुकी है। मैं कहता हूँ हमारे पास नजर लगने वाली सिक्योरिटी भी है, हम आपको वो दे सकते हैं। अच्छा, प्लीज बताइए ना कहाँ है वो। मैं अभी बुलाता हूँ, रुक जाइए। Hi, I'm Tantric, I'm Dr. Kamishir, I'm Gulati Jada, BP, AKSI. Bhoot Preto ka shayt ya ilaj. Arre, ye kya bhoot karega? ये तो कि खुद किसी के ऊपर से उतर के आया लग रहा है। बहुत अच्छी बात कही है। वाह भाई वाह, आज तो कपिल शर्मा जो यार मजा आया यार, क्या कॉमेडी हो रही है, मोटा जो है ना पूरा वैसे स्टाइल पी रहा है और पेट बड़ा बाहर है, और जो लड़की पटाई वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये जो हमारा होस्ट होता है कपिल शर्मा, ये यार खुसरा लग रहा है, खुसरा बन गया, लेकिन थर्क पर ये भी नहीं छोड़ा, अंदर बैठ के उसके लगा पड़ा यार,
बड़ा मजा आया यार, बहुत हंसे यार आज का यार। ये वाला शो तो भाई जबरदस्त था, क्या हंसाते हैं भाई एकदम से, एक एक दूसरे को इतनी जुगते मारते हैं भाई, बहुत हंसी आती है। लेकिन खासकर कपिल शर्मा देखते मोटा वाला देख रहे थे, बड़ा पाइप लेकर धुएं में नहीं निकला, ऐसे ही खड़ा हुआ है, वो पतली लड़की है भाई, उस पर कपिल शर्मा ने खुसरा बना हुआ है, ट्रक पर नहीं छोड़ रहा है, उसको चुम्मा चाटी भी कर रहा है, तो पति उसका परेशान हो रहा है, क्या बनाते यार, जबरदस्त मजा आ जाता।